गाजीपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गाजीपुर में कोरोना संक्रमण का एक नया मामला सामने आने के बाद बवाल मचा हुआ है। यहां नंदगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में 23 साल के एक युवक को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। इस मरीज की सूचना पाते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ जिला प्रशासन के अधिकारी भी तुरंत मौके पर पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक मरीज को गाजीपुर से वाराणसी रेफर किया गया है। सीएमओ जीसी मौर्य ने बताया कि 3 मई को ये युवक मुंबई से बाइक से चलकर अपने गांव आया था, जिसके बाद इसका सैंपल 5 मई को लिया गया। रिजल्ट 9 मई को सामने आया और युवक को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। आपको बता दें कि इससे पहले गाजीपुर में कोरोना के 6 मामले सामने आए थे और सभी की रिपोर्ट अब नेगेटिव आ गई है। इसी बीच युवक के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आई है। बता दें कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों द्वारा पूरे गांव को सैनिटाइज किया जा रहा है। जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य तथा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह द्वारा गांव में जाकर कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति से पूछताछ की गई तथा उस व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री का पता भी लगाया गया। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल बनारस तथा उसके संपर्क में आए सभी लोगों को एम्बुलेंस द्वारा रेलवे ट्रेनिंग सेंटर गाजीपुर लाया गया, जहां उनकी जांच कर रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पॉजिटिव रिपोर्ट आने की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह, सीएमओ डॉक्टर जीसी मौर्या, डॉक्टर प्रगति कुमार, मोहम्मदाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर आशीष राय, थाना अध्यक्ष राजेश त्रिपाठी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।